एंड नाउ वी विल गो टू द वर्चुअलाइजेशन बेनिफिट्स, कि वर्चुअलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं. लाइक वन इज कंसोलिडेशन, रिडंडेंसी, लीगसी हार्डवेयर, माइग्रेशन एंड सेंट्रलाइज मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये रहता है, ये पहले भी हम लोग है ना डिस्कस कर चुके थे लास्ट टाइम पे, जब भी वर्चुअलाइजेशन डिस्कस किया था, कि ये एक बहुत कंसोलिडेटेड एनवायरनमेंट मिलता है अपने, जिसमें डेटा एक रिडंडेंट होता है, हम कभी भी कहीं भी इसको अवेलेबल करा सकते हैं. देन इसमें क्या रहता है कि पर्टिकुलर जो हार्डवेयर रहता है वो एक पर्टिकुलर उसको बिलोंग करता है. वी डोंट हैव टू कवर मोर अबाउट दी हार्डवेयर की किस टाइप का हार्डवेयर लेना है नहीं लेना है. वी कैन इजीली माइग्रेट फ्रॉम वन वेंडर टू अनदर वेंडर, ये जैसे आजकल होने लग गया है. एंड देन दी एंटायर मैनेजमेंट इज अ सेंट्रल मैनेजमेंट. ठीक है, देन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन में अगर हम जाते हैं तो सर्वर पे वर्चुअलाइजेशन हो सकता है, डेस्कटॉप लेवल पे हो सकता है, एप्लीकेशन लेवल पे हो सकता है, एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई इट ऑन मेमोरी स्टोरेज डेटा एंड नेटवर्क्स. राइट, सो एग्जाम्पल इज देयर लाइक सर्वर वर्चुअलाइजेशन की हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि फर्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डोमेन कंट्रोलर. तो उन्होंने डोमेन कंट्रोलर को कहा है कि जहाँ सिर्फ जैसे एक ही मशीन पे इन्होंने तीन सर्वर इंस्टॉल कर रखे हैं, इसमें 20% रिसोर्स यूज कर रहा है डोमेन कंट्रोलर, 23% रिसोर्स यूज कर रहा है फाइल सर्वर, एंड 37% इज यूज बाई वेब सर्वर. तो एक तरीके से एक 100% मशीन का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं जिसमें तीन सर्वर इन पैरेलल रन हो रहा है. ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्वर वर्चुअलाइजेशन. इस टाइप का आपको उसमें देखेगा जहाँ आप वर्चुअल मशीन का इंटरफेस खोलोगे, हम इसको आगे इंस्टॉल करके देखेंगे. एक तरीके से ये हाइपर वी के या लेफ्ट में आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर जो इंस्टॉल है वो दिखाई दे रहे हैं. कुछ वेंडर्स जो हैं उसके वो है एग्जांपल वीएमवेयर ईएसएक्स, सिट्रिक्स जेन सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी और रेड हैट आरएचईवी. राइट, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो हैव डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, ये सर्वर वर्चुअलाइजेशन की तरह ही होता है. एंड यूजर डेस्कटॉप जो होता है वो डेटा सर्वर पे रन करता है एज वर्चुअल मशीन्स, एंड इट इज वेरी सिक्योर्ड बाय डिजाइन. इसमें कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही होस्ट पे रन कर सकते हैं. इट इज अ सेंट्रलाइज्ड मशीन, सेंट्रलाइज्ड मैनेज मशीन, एंड रिसोर्स जो शेयर्ड होते हैं वो उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कन्फर्म करते हैं. And it also supports multimedia or memory-intensive applications, right? जैसे एक example यहाँ दे रखा है, ये एक local client device है और यहाँ virtual desktops है, जो कि मतलब अलग अलग type के server और अलग type के desktop की यहाँ पर example आपको दिख रहे हैं on the internet, right? तो इसके कुछ vendors है like Citrix Zen Desktop, Citrix VDI in a box, VMware View, VMware VDI in a box, Microsoft VDI and Red Hat RHEV for desktops. ठीक है, तो एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन पे हम जाते हैं. तो एप्लीकेशन में क्या होता है कि बिजनेस एप्लीकेशन जो होता है वो कई सर्वर पे रन कर सकते हैं लोकेटेड इन दी डेटा सेंटर. ये सिक्योर्ड बाय डिजाइन होते हैं, इनकी सिक्योरिटी रहती है कि चूंकि इट इज ऑन अ रिमोट लोकेशन, उसको इजीली आप ट्रेस नहीं कर सकते कि कौन से मतलब सर्वर पे ये लोकेट कर रहा है एग्जैक्ट. Then one or more application run on the same set of servers. मतलब एक ही सर्वर पे एक से ज्यादा एप्लीकेशन रन कर सकते हैं. And it also have a centralized application management. ठीक है, इसमें shared resources होता है जो उसकी maximum utilization को confirm करता है. It also supports multimedia और memory intensive applications. इसमें आपकी licensing cost reduce हो जाती है, क्योंकि it is all hosted at a on a remote place, so आपको इसमें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है. रोल बेस्ड यूजर एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज होती है इसमें. ठीक है, इसके बेनिफिट्स होते हैं कि एप्लीकेशन आर डिलीवर्ड ऑन डिमांड एंड देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल एंड मैनेज ऑन एवरी यूजर डेस्कटॉप. इसमें परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, इट कैन ऑल्सो भी इजिली अपग्रेडेड एंड डिलीवर्ड इंस्टेंटली जैसे रिक्वायरमेंट आती है उस टाइप से. एंड इट इज पब्लिश्ड इधर लोकली इंस्टॉल्ड और स्टीम्ड टू सर्वर. राइट, सो वर्चुअलाइजेशन. अब हम एक्चुअल पे आते हैं कि हमने ये जो पढ़ा है इसका हम क्या क्यों यूज करते हैं. अपने इसमें फॉरेंसिक और एथिकल हैकिंग में वी क्रिएट अ वर्चुअल लैब. तो वर्चुअलाइजेशन लैब में ताकि हम लोग पेन टेस्टिंग करके उसके अपने हैंड्स ऑन कर सकते हैं. तो लर्न पेन टेस्टिंग विद इन्फोसेक स्किल्स. ठीक है, इससे हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रियल वर्ल्ड में यूज करने के पहले आता है. तो वी ऑल्सो बिल्ड अ रियल वर्ल्ड पेन टेस्टिंग लैब्स.
है ना, और उस पर हैंड्स ऑन कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आपके वेब ऐप हैकिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन करने के सॉफ्टवेयर मतलब अवेलेबल होते हैं, और कई प्रकार के और टेस्टिंग लैब्स अवेलेबल रहती है उसमें। जैसे वर्चुअलाइजेशन लैब में सबसे पहले एक होम पेन टेस्टिंग लैब का एनवायरनमेंट सेट करेंगे, उसी पर हम लोग अभी आगे बात करते हैं। तो आइसोलेशन लैब जो होती है वो प्रोवाइड करती है कंट्रोल एनवायरनमेंट फॉर टेस्टिंग एंड एबिलिटी टू कॉन्फिगर द टारगेट टू द स्पेसिफिकेशन नीडेड फॉर द टेस्ट। इसको हम डायरेक्टली इसलिए लैब में कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन डायरेक्टली करने पर यू कैन बी लायबल फॉर अ लॉट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज एंड पनिशमेंट्स, ठीक है, जो जिससे अवॉइड करने के लिए हम इन लैब में पहले प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले वी इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर ऑन वर्चुअल मशीन। सबसे पहले कोई भी एक वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर डालेंगे और उसमें इस टाइप के सॉफ्टवेयर डालेंगे जिसमें हम लोग हैकिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इधर ये इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन द वर्चुअल मशीन सेम एज इंस्टॉलिंग ऑन अ नॉर्मल कंप्यूटर एंड इट। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये हम या तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या वीएम के अंदर से ही या होस्ट कंप्यूटर से लेकर उसके अंदर उसको वीएम में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो वर्चुअल लैब की हमें मतलब उसमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, राइट। तो फॉर अ न्यू पेन टेस्टर, अ पेन टेस्टिंग लैब में ओनली रिक्वायरमेंट होती है हमारी टू इंक्लूड अ वल्नरेबल टारगेट कंप्यूटर एंड अ पेन टेस्टिंग कंप्यूटर, यानी एक होस्ट और एक टारगेट, ठीक है। हाउएवर एज स्किल लेवल और अलग टाइप के रियलिज्म इंक्रीज करते हैं, नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टारगेट बढ़ती है एंड मोर कॉम्पोनेंट को ऐड किया जाता है टारगेट नेटवर्क, राइट। सो टारगेट क्या होता है, द डिजाइन ऑफ द टारगेट एनवायरनमेंट इन अ पेन टेस्टिंग शुड डिपेंड ऑन द स्किल ऑफ द पेन टेस्टर एंड गोल ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है, कि हमको किस टाइप का टारगेट चाहिए। बाय स्टार्टिंग विद अ वल्नरेबल टारगेट एंड एडिंग कॉम्प्लेक्सिटी एज नीडेड, अ पेन टेस्टर कैन डिजाइन एनवायरनमेंट विच एग्जैक्टली द राइट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू सूट द नीड्स। उसी प्रकार से हम शुरू में बहुत सिंपल टाइप के वल्नरेबल वो रखते हैं, टारगेट्स इंस्टॉल करते हैं और धीरे धीरे उसको कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम आगे लेंगे। जैसे अगर हमको वल्नरेबल टारगेट से स्टार्ट करना है तो हमको ये नहीं, हम अगर खुद मैनुअली करेंगे तो हमें नहीं पता कि उसको अंदर किस किस प्रकार के हमको वल्नरेबिलिटी छोड़नी पड़ेगी या किस तरीके से उसको वल्नरेबल बनाएंगे। उसी प्रकार से इसको हेल्प करने के लिए देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल जिन्होंने इस प्रकार के टारगेट वल्नरेबल मशीन्स बनाई हुई है जिसको हम नेचुरली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेटिंग अप अ कंप्यूटर जो ऑलरेडी वल्नरेबल होता है और कई वेबसाइट इसको फ्रीली अवेलेबल करती है जिसमें हम लोग उसको इंस्टॉल करके फिर टेस्ट कर सकते हैं। जिसके कुछ एग्जाम्पल है, फर्स्ट इज DVWA और डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। इसका एक इमेज फाइल आप डायरेक्टली इसकी साइट से डाउनलोड कर सकते हो जिसमें वेब बेस्ड वल्नरेबिलिटीज होती है। ये PHP और MySQL में लिखी गई है और इसमें डिज़ाइन करा गया है कई प्रकार की वल्नरेबिलिटीज को जो सपोर्ट करती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, SQL इंजेक्शन और अदर टाइप के वेब बेस्ड अटैक्स, ठीक है। उसी प्रकार से मेटा एक्सप्लॉइटेबल एक अलग टाइप की और मशीन इमेज है VM की जो Rapid7 ने डेवलप करी है, वो जो कि जिन्होंने मेटा एक्सप्लॉइट पेन टेस्टिंग टूल को डेवलप करा था उनकी तरफ से ही किया गया है। इट इज डिजाइन टू बी वल्नरेबल टू अटैक्स इंक्लूडेड इन दी मेटा एक्सप्लॉइटेबल फ्रेमवर्क, ठीक है। उसी प्रकार से एक और है जिसको हम बोलते हैं वेब सिक्योरिटी डोजो, ये मेवन सिक्योरिटी ने डेवलप करा है। ये एक वेब सिक्योरिटी पेन टेस्टिंग टारगेट मशीन इमेज है, इसको एक्स उबंटू में मतलब बिल्ड किया गया है और इसमें टूल्स होते हैं नेसेसरी टू एक्सप्लॉइट, ठीक है, कंबाइनिंग द रोल्स ऑफ टारगेट एंड पेन टेस्टिंग मशीन। इसमें दोनों का रोल ये लोग खुद ही निभा सकते हैं। एक दूसरी एग्जाम्पल है इस गूगल ग्रूवेयर, ये एक वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन होस्ट ऑनलाइन है, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। ये ऑनलाइन है इसलिए इसके आप इंटरनेट पर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फॉर पॉइंट पेन टेस्टिंग मशीन एंड दिस सेपरेट फ्रॉम दी अदर लिस्ट हियर, है ना। जो बाकी सारे हम एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं जबकि इसको हम डायरेक्टली इंटरनेट पर यूज़ कर सकते हैं। और अब यह होता है कि एक बार हम लोगों ने हैंड्स ऑन कर लिया, कई टूल्स यूज़ कर लिए, तो उसके बाद हम टारगेट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू अपग्रेड द टारगेट टू मिमिक और टू कम वेरी क्लोज टू द रियल वर्ल्ड टारगेट्स जिस पे हमको काम करना है। तो इसी प्रकार से हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पेन टेस्टिंग टेस्ट एनवायरनमेंट को इंक्रीज किया जा सकता है बाय एक्सपेंडिंग द थ्रेट सरफेस ऑफ द नेटवर्क, उसके नेटवर्क को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके कई सर्विसेज जो होते हैं उसको एक्सपेंड कर लेंगे जो रन हो रही है, जैसे कि ईमेल सर्विसेज है, वेब सर्विस है, FTP से, डेटाबेस से, फाइल सर्वर एक्सेट्रा, ठीक है।
उसी प्रकार से नेटवर्क लेवल मॉडिफिकेशन भी हम उसमें करेंगे, जैसे उसमें नए राउटर्स ऐड कर देंगे, वी विल बी एडिंग सर्विसेज लाइक डीएससीपी एंड डीएनएस, जो कि चेंज कर देगा लैंडस्केप ऑफ द टारगेट नेटवर्क, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें हम लोग फायरवॉल भी इंक्लूड कर सकते हैं और अदर सिक्योरिटी मेजर्स लाइक पीकेआई, आईडीएस, आईपीएस और एसआईएम वगैरह, ताकि इसकी पेन टेस्टिंग एक्सरसाइजेस की जो डिफिकल्टी होती है उसको हम इंक्रीज कर सकें, राइट। तो एक नए पेन टेस्टर के लिए प्री कॉन्फिगर्ड पेन टेस्टिंग मशीन हमेशा एक अच्छी चॉइस होती है, डाउनलोड करके उसको यूज़ करना। तो अभी तक हमने टारगेट मशीन के लिए बोला, अब हम होस्ट मशीन जो कि पेन टेस्टिंग करेगी उसका हम एग्जांपल लेते हैं। तो वी कैन डाउनलोड दी पाली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स, जो कि पहले बैकट्रैक कहलाता था, एंड इट इज़ फ्रीली अवेलेबल, जिसमें कि अभी रिसेंटली 2020 वर्जन आया है इसका। वी कैन डाउनलोड इट एंड इट कम्स विद मेनी ऑफ द कॉमन लिनक्स बेस्ड पेन टेस्टिंग टूल्स बिल्ट इन, ठीक है। उसी प्रकार से बेसिक नेटवर्क यूटिलिटीज हमको क्या लगनी चाहिए जो पेन टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कुछ आपके FTP है, फोल्ड फाइल ट्रांसफर, SSH की जरूरत हमें पड़ सकती है इंटरेक्टिंग विद टारगेट मशीन के लिए, या टेलनेट फॉर म्यूचुअली इंटरेक्टिंग विद अवेलेबल सर्विसेज। कुछ और टूल जो हमको चाहिए होते हैं वो है जैसे कि आपका मेटास्प्लॉइट है, इट इज एन एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क जिसमें कई बिल्ट इन एक्सप्लॉइट्स और पेलोड्स होते हैं। और उसी प्रकार से एक GUI फ्रंट एंड होता है मेटास्प्लॉइट का, जिसको हम लोग आर्मिटेज कहते हैं, वो भी अवेलेबल होता है। प्लस हम एक नोटपैड एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं पेन टेस्टिंग टेस्ट में, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप दी ट्रैक ऑफ प्रीवियस स्टेज एंड दी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, ताकि हमारा रिकॉर्ड कहीं बना रहे। इस कारण से पेन टेस्टिंग मशीन इंक्लूड इजी टू यूज नोटपैड एप्लीकेशन जो पेन टेस्ट के लिए फेमिलियर हो और कम्फर्टेबल हो। उसी प्रकार से कुछ पेन पैकेट कैप्चरिंग एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं फॉर ऑब्जर्विंग द नेटवर्क ट्रैफिक ऑफ द टारगेट नेटवर्क, जैसे कि उसके लिए, और उसी प्रकार से वो हमें रिकॉनसेंस और अटैक फेजेस में भी हेल्प करता है। इसका एग्जांपल है जैसे वायरशार्क एंड एनमैप। ये कॉमनली यूज पावरफुल पैकेट कैप्चरिंग यूटिलिटीज होती है, राइट। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे, सिंस अभी नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा था। तो थैंक यू, एनी क्वेश्चंस? आवाज आ रही है हराम सर? हेमांग सर? हाँ सर, खत्म हो गया क्या? हाँ जी खत्म हो गया, छोटा रखा क्योंकि मेरे नेट इशू था।